हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवेलुएशन सो इवेलुएशन असेसमेंट से एक ब्रॉडर टर्म है इवेलुएशन में हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं और एक क्लास में जाके उसके बेसिस पे लर्नर के लर्निंग एक्सपीरियंस के बेस पर हम कोई एक डिसीजन लेते हैं सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी ये एक इंक्वायरी करने का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चलता चलता रहता है बच्चे की लाइफ में ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस इसमें जितने भी सारे हमारे प्रोसेस आते हैं एजुकेशन के वो सारे ही कवर अप किए जाते हैं टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन एजुकेशन इसमें ये पता लगाया जाता है कि हमारी एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस हुई है लर्नर के बिहेवियर में कितना चेंज आया है सो so, जो इवेलुएशन है इसको हम एक वर्ड से भी रिलेट करते हैं वैल्यूएल जिसका मतलब होता है टू वर्थ कि कोई भी लर्नर जो है कितना वर्दी है इट इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू और उस वैल्यू पर उसको जज करना कोई डिसीजन लेना टू डिटरमाइन चेंजेस इन चाइल्ड ये चाइल्ड के अंदर होने वाले चेंजेस को डिटरमाइन करता है पता लगाता है कि कितना बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया है इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मेन लास्ट पॉइंट यही है आपका कि इवेलुएशन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है असेसमेंट में हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं लेकिन इवेलुएशन में डिसीजन होता है सो so, इसकी डेफिनेशन के लिए अकॉर्डिंग टू क्रॉनबैक बैक कंसिडर इवैलुएशन एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग मीन्स डिसीजन मेकिंग के लिए ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सारी सो so, जो इवैलुएशन है सो so, इसमें मेजरेबल और नॉन मेजरेबल मेजरेबल में आपकी टेस्टिंग आ जाएगी नॉन मेजरेबल में आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सो so, उन सब का कॉम्बिनेशन होता है वैल्यू जजमेंट उसके हिसाब से हम कुछ जजमेंट देते हैं फॉर गुड लर्निंग प्रोग्रेस सो दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवेलुएशन